जोनल अस्पताल मंडी में भोजन का लंगर लगाते हुए हृदयवासी सेवा समिति का एक वर्ष पूरा हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में समिति द्वारा जोनल अस्पताल मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, एमएस जोनल अस्पताल मंडी धर्म सिंह वर्मा के साथ प्रबंधन के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर दीप प्रज्वलित करके और माँ हृदय वासिनी की स्तुति करके भोजन सेवा शुरू की गई। इस दौरान सीएमओ ने स्वयं अपने हाथों से लोगों को लंगर भी बांटा। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सीएमओ मंडी ने हृदयवासी सेवा समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा लगाया गया लंगर कोरोना काल में अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तामीरदारों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके साथ ही अस्पताल स्टाफ को भी समिति की तरफ से लंगर सेवा का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि समिति ने दीन दुखियों और असहाय लोगों को अच्छा और पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाया है। हृदयवासी सेवा समिति पंजीकृत मंडी को जोनल अस्पताल मंडी में लंगर सेवा प्रदान करते हुए आज एक वर्ष हो चुका है और इस पूरे वर्ष में इन्होंने जो हमारे अस्पताल के रोगियों के तीर्थदार थे या दूसरे जो अटेंडेंट्स और दूसरे ओपीडी में जो पेशेंट आते थे और दूसरे दीन दुखी और असहाय जो लोग थे उनको खाना, अच्छा खाना यहाँ पर उपलब्ध कराया और बहुत साफ़ सुथरा खाना, और हमें भी फीडबैक मिलता रहा कि काफ़ी अच्छी खाने की सेवा प्राप्त हो रही है। और आज हमें भी जो हमारे जिला प्रशासन में मैं एमएस साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर और डॉक्टर अनुराधा प्रोग्राम अफसर, इनको भी यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और इनको बधाई देता हूँ कि जो सेवा एक साल से यहाँ पर दी जा रही है वैसी ही आगे भी दी जाती रहे। सेवा समिति है, बड़ा सराहनीय कार्य कर रही है। कोविड काल में जब पूरा मंडी बाजार लॉकडाउन में आ गया तो शुरू के 3-4 महीनों में जो यहाँ पर मरीज दाखिल थे उनके अटेंडेंट्स और उसके अलावा कई बार जो स्टाफ वाले थे उनको भी जो है इन्होंने जो है यहाँ भोजन का प्रबंध किया, और जहाँ तक मुझे बताया गया उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीन समय भी जो है इस सेवा समिति के द्वारा जो है भोजन दिया गया। मैं माता से कामना करता हूँ कि इस तरह का जो सेवा भाव है और स्पेशली जो सेवा समिति के अध्यक्ष हैं रमन जी जो और इनके जो भी साथ में कार्यकर्ता हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और एक बड़ा ही समाज में जो है सराहनीय कार्य कर रहे हैं, सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। और आज हमने जब यहां भोजन ग्रहण किया प्रत्यक्ष रूप से भी हमें ये देखने को मिला। समिति के संयोजक रमन बिष्ट ने बताया कि बीते वर्ष समिति ने जोनल अस्पताल में लंगर सेवा शुरू की थी, जिसके बाद लॉकडाउन होने के चलते शहर में ढाबे, रेस्टोरेंट आदि में खान पान की दुकानें बंद होने पर समिति ने इसकी शुरुआत करके मरीज और उनके तामीरदारों को 3 वक्त का लंगर उपलब्ध करवाया था। अब एक वर्ष में हृदयवासी सेवा समिति 1,07,000 से ज्यादा लोगों को लंगर खिला चुकी है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, मंडी वासियों और समिति के संगठन पदाधिकारियों के साथ दानी सज्जनों का आभार भी व्यक्त किया। आज एक वर्ष हो गया माँ हृदय वासिनी सब पर कृपा करके कृपा प्रसाद रूप में एक वर्ष में 1,07,000 कुछ 100 लोगों को भोजन करा चुकी, और ये कोविड के टाइम से 2 दिन पहले शुरू हुआ और ये सेवा का सौभाग्य मुझे और मेरी टीम को मिला और मेरे सारे नगरवासियों ने इसमें सहयोग किया। और माँ हृदय वासिनी अन्नपूर्णा रूप में स्थापित होकर यहाँ पर सबको भोजन प्रसाद ग्रहण करा रही है। मैं आभारी हूँ माननीय जयराम जी का, मैं आभारी हूँ माननीय डीसी साहब का, मैं आभारी हूँ पूरे प्रशासन का, हॉस्पिटल के, और जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, और उन लोगों का जिन्होंने अपना आशीर्वाद इस ऑर्गेनाइजेशन को भेजा। हृदयवासी सेवा समिति के द्वारा जो मंडी शहर में भोजन प्रसाद का जो आयोजन कोरोना काल में किया गया अभी तक चल रहा है, ये माँ की असीम कृपा से हुआ और यहाँ सेवा करने से हमको बड़ा आनंद मिल रहा है। बताते हैं कि कोई भी दान हो तो उस दान को पात्र देख के दान करते हैं, पात्र है, लेकिन अन्नदान ऐसा दान है इसमें पात्रता नहीं देखी जाती है, इसलिए अन्नदान का कलियुग काल में बड़ा भारी महत्व है। इसलिए कोई फंक्शन करने पर
भोजन भंडारा कराया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो भोजन प्रसाद का आयोजन करा जा रहा है, हम माँ हृदयवासिनी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। कार्यक्रम के दौरान लंगर ग्रहण करने वाले स्थानीय निवासी सुरजीत सिंह ने कहा कि आज के दौर में गरीब और जरूरतमंदों के लिए इस प्रकार का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने इसके लिए समिति और भोजन सेवा से जुड़े लोगों का आभार जताया। सुरजीत सिंह ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों के दिलों में जन सेवा की भावना भी पैदा होती है। यहाँ जो है हृदयवासी सेवा समिति जो है मंडी में जो है लोग चला रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जिस जैसे सभी लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। मुझे खुशी है कि गरीब आदमी के लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है और लोग जो है बड़े स्वच्छता से खाना बनाते हैं और लोगों को बड़े प्यार से खिलाते हैं। मैं चाहूँ ये समाज इसी तरह आगे बढ़ता चला जाए और हमारे समाज में जो है प्रगति की ओर चला जाए और एक मानव सेवा का जो है हर एक आदमी के अंदर जो है ऐसी इच्छा होनी चाहिए।